किया गया खाता है वो खोल दिया गया है। पार्टी अब इस खाते से ट्रांजैक्शन कर सकती है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में 21 फरवरी को मामले में सुनवाई होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया है और उसके चुनाव को देखते हुए की गई कार्रवाई कांग्रेस ने इसे करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हटा दिया, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई करार दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी, और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा। हालांकि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के खातों पर लगी रोक हटा ली। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 21 फरवरी को होगी। उससे पहले इस मुद्दे पर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वेरी ग्रेशियसली द आईटीएटी आफ्टर टॉकिंग टू द डीआर हैज सेड दैट देयर विल बी ओनली अ लियन ऑन द बैंक अकाउंट। There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case, on the interim application that I filed on Wednesday. अलोकतांत्रिक इतना कि सैलरी जो दी गई कर्मचारियों को उसके खातों को सील कर दिया बिना बताए, ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का, उसकी एजेंसियों का, मैं मानता हूँ कि देश देखे समझे। कांग्रेस इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बता रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस अगर ये कहे कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक करना है तो ये तो कांग्रेस, ये देश का इतिहास कहता है कि डेमोक्रेसी को ब्लॉक ही नहीं, डेमोक्रेसी को क्रश किसी ने किया, लोकतंत्र की गले घोटने का काम किसी ने किया है तो भारत के अंदर कांग्रेस ने किया है। और वो जानते भी है कि कांग्रेस में ऐसे कौन लोग रहे जिन्होंने डिक्टेट के आधार पर इस डेमोक्रेसी को क्रश किया। इस कार्रवाई पर कांग्रेस का कहना है कि साल 2018 से 19 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने में 45 दिन की देरी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। साथ ही पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि 45 दिन के भीतर आयकर रिटर्न भरा गया था। साल 2018 से 19 इलेक्शन का साल होने की वजह से रिटर्न फाइल करने में देरी हुई। उस समय 199 करोड़ रुपए की रसीद कांग्रेस पार्टी के पास थी जो खर्च हुई थी, उसमें से केवल 14,40,000 रुपए हमारे सांसद और विधायकों ने अपनी एक महीने की तनख्वाह कैश जमा करवाई थी, जिसके आधार पर 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी गई। चुनावी साल होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। अब देखना है 21 फरवरी को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई में क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब बात आज की एक और सबसे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। खबर ये कि नक्सली सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर नक्सलियों ने खत लिखा जिसमें उन्हें सशर्त बातचीत की हामी भरी है। नक्सल संगठन सरकार से सशर्त बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। डिप्टी सीएम ने नक्सलियों को बातचीत का प्रस्ताव दिया था जिस पर उन्होंने जवाब दिया है। नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने खुले तौर पर बातचीत के लिए हामी भरी है। उन्होंने बातचीत के लिए उचित वातावरण बनाने की भी मांग रखी है। नक्सलियों ने कहा है कि सरकार 6 महीने तक ऑपरेशन बंद कर दे, जवानों को कैंप और थानों में ही रखें और निर्दोषों की हत्या करना बंद करें, नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। वहीं नक्सलियों से बातचीत को लेकर बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि बातचीत से हल निकल सकता है तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, साथ ही
कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास नक्सलियों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। बीजेपी की सरकार आते ही नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं। कहता हूं यदि वार्ता से हल निकल सकता है तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये वार्ता करने की बात करते हैं और बीच में वार्ता तोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने नक्सलियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, आज नक्सली संगठन ने कुछ शर्तें सरकार के सामने रखी है, क्या राज्य सरकार उन शर्तों को मानने तैयार है? कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया गया था। गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जा रहा था, विकास पहुंचाया जा रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद बीते दो महीने में जिस प्रकार से नक्सली गतिविधियां बढ़ी है, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पास नक्सलवाद को खात्मे के लिए स्पष्ट नीति नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा लगातार नक्सलियों से बातचीत करने की बात कह रहे थे। नक्सलियों से बातचीत के लिए सरकार ने हाथ बढ़ाया था, अब नक्सली भी सरकार से बातचीत करने को राजी हो गए हैं। दंडकारण्य ने स्पेशल जोन कमेटी की प्रवक्ता और नक्सली लीडर विकल्प ने प्रेस नोट जारी किया है और सरकार के सामने बातचीत के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।